दुर्ग के आरोग्यम हॉस्पिटल में लगातार मिल रही शिकायतों के चलते आयुष्मान कार्ड के लिए किए जा रहे इलाज की सेवाओं को बंद करने दुर्ग कलेक्टर राज्य सरकार को पत्र लिखा है, जिसके बाद जल्द ही आयुष्मान कार्ड से किए जा रहे खेल खत्म हो जाएंगे। दुर्ग जिला कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी के द्वारा दुर्ग में संचालित आरोग्यम हॉस्पिटल में आयुष्मान से चल रहा इलाज सेवाओं को बंद करने हेतु राज्य शासन को पत्र भेजा है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही आरोग्यम अस्पताल में आयुष्मान कार्ड से इलाज कराने वाले लोगों को वहाँ से अब इसका लाभ नहीं मिलेगा। दरअसल पूरा मामला पिछले कई महीनों से भिलाई नेहरू नगर में बाईपास रोड में लगे संचालित होने वाले आरोग्यम अस्पताल की बहुत सी शिकायतें जिला प्रशासन के पास लगातार पहुंच रही थी, जिसको संज्ञान में लेने के बाद दुर्ग जिला नर्सिंग होम एक्ट नोडल अधिकारी अनिल शुक्ला ने अस्पताल का कई बार मौका मुआयना किया और जितनी भी शिकायतें आई थी सभी को सही पाया। इसके बाद ये कार्रवाई की गई है और जल्द ही वहां पर आयुष्मान कार्ड को बंद कर दिया जाएगा। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि पूरा मामला बीते माह 5 अप्रैल से शुरू हुआ था, जहां एक 13 साल की किशोरी की मौत हो गई थी। किशोरी ने जहर खाया हुआ था और किशोरी राजनांदगांव की बताई गई थी। जहर खाने के बाद 10 दिन के इलाज उपरांत आरोग्यम अस्पताल में उसकी मौत हुई थी, जिसकी जानकारी अस्पताल प्रबंधन द्वारा सीएमएचओ कार्यालय को पत्र प्रेषित न करने के साथ ही आयुष्मान कार्ड के नाम पर भारी फीस वसूली की शिकायतें लगातार होने के बाद ये पूरी कार्रवाई की गई। इस मामले में दुर्ग जिला नर्सिंग होम एक्ट नोडल अधिकारी डॉक्टर अनिल शुक्ला ने जानकारी दी। आरोग्यम हॉस्पिटल में लगातार पिछले 15-20 दिन से लगातार शिकायत आ रही है। जो भी शिकायत राइटिंग में आ रही है उसके ऊपर नियमानुसार कार्रवाई हम कर रहे हैं। हाँ, वो प्रकरण था एक क्या, इस तरह अगर देखा जाए तो करीब 3-4 ऐसे प्रकरण थे जो लगातार इसी बीच में आए, और वो प्रकरण इस संदर्भ में था कि जो भी मरीज जिनको आयुष्मान कार्ड का लाभ मिलना चाहिए, ऐसे सभी मरीजों से नकद लिया गया है और उसका कोई उनके पास रिसिप्ट नहीं दिया गया है। लेकिन बाद में जब एक जांच कमेटी गठित की गई तो हम लोग जा कर के वहाँ जाँच किए और वो प्रमाणित भी हुआ, और उसी के संदर्भ में जो है हम लोग ने उसको जो है आगे कलेक्टर मैडम के यहाँ भेजे, और कहीं ना कहीं उसमें जो हम लोग ने अपना अभिमत दिया था कि इनका आयुष्मान जो है वो निरस्त होना चाहिए कम से कम 1 साल तक के लिए, और उसके निरस्ती के लिए आज जो है कलेक्टर मैडम ने अपने राज्य में उसको भेज भी दिया है अपने स्तर से। और मुझे जहाँ तक अभी आज की ही बात है, लगातार अभी एक दो और भी शिकायत आई हैं जिनसे नगद पैसा लिया गया है। अब वो जांच करने के बाद ही उसमें हम कंफर्म बता पाएंगे कि उसमें कितनी सच्चाई है। और इस तरह लगातार शिकायत आ रही है, एक प्रोस्टेट का ऑपरेशन के लिए वहाँ पे पैसा लिया गया लेकिन ऑपरेशन किया नहीं गया। उनके जो पुत्र हैं वो 1 महीने बाद जब उनके पिताजी को परेशानी हुई तो फिर वो दूसरे हॉस्पिटल में गए, वहाँ बताया गया कि आपके प्रोस्टेट का तो ऑपरेशन ही नहीं हुआ है। उनसे भी 80-85 हज़ार रुपये नकद ले लिया गया, जबकि आयुष्मान कार्ड में उनको लाभ मिलना चाहिए और वो 20-25 हज़ार उनसे भी आयुष्मान कार्ड से। तो कहीं ना कहीं लगातार लापरवाही हो रही है, तो इसमें हम बिल्कुल अलर्ट हैं। अगर ऐसे कोई भी लोग आते हैं जो जनहित के लिए है, अगर इस तरह की जो भी शिकायतें आएंगी उसमें हम नियमानुसार कार्रवाई आगे भी करते रहेंगे। मैडम ने जो हमने अभिमत दिया था उसी को मैडम ने आगे बढ़ा दिया है, और एक बार अगर जिले के मुखिया के द्वारा अगर कोई चीज़ राज्य में भेजी जाती है तो प्राय ये देखा गया है कि वहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।